मैं आशा भोसले, तुसी वेख रहे हो चैनल पंजाब, शान पंजाब दी। जिन्नियां होर पार्टियां तुरियां फिरदियां ने, ए सब कांग्रेस सपोर्टेड, कांग्रेस फाइनेंस, इको एक मकसद नाल तोरियां जा रही है कि लोग कांग्रेस तो औखे है, लोगों ने कांग्रेस के उल्ट वोट देनी है। ये क्यों ना लोगों के दिमाग च एक डाउट खड़ा करिए, भंबल भूसा पैदा करिए, तो ये वोट श्रोमणी अकाली दल बीजेपी नू ना जावे, मोदी साहब या बादल साहब नू ना जावे, वोट वंडी जावे। बठिंडा पहुंचे श्रोमणी अकाली दल के सबका मंत्री बिक्रम मजिठिया ने जगमीत बराड़ दे कांग्रेस पार्टी नू छड्ड अकाली दल विच शामिल होने ते कैप्टन अमरिंदर सिंह ते तंज कसदिया कहा कि जगमीत बराड़ कांग्रेस पार्टी वल्लों लोकां नाल कीते गए धोखे ते उन्हां दी गलत नीतियां तो दुखी हो के अकाली दल विच शामिल होए ने। होर की कहा मजिठिया ने कांग्रेस पार्टी बारे, आओ सुनते हां। देखो कांग्रेस पार्टी नू पहली गल तो कैप्टन अमरिंदर सिंह किन्ना सच बोलते हैं तुसी मेरे तो बेहतर जानते, जेड़ा गुटका साहब दी गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज दी चरणा दी सहुं खा के जेड़े लोग झूठ बोल सकते हैं उन्हां दी ट्वीटां ते किन्ना भरोसा करोंगे, ये फिर थोड़ा फैसला जी, फिर धोखा खाऊंगे, मैं तो यही कह सकता। और जगमीत सिंह बराड़ ने लोगों ने उन्होंने चोन जिताई है, लोगों ने उन्होंने भरा चोन जिताई, एक बार ही नहीं दो तीन बारी वाप बने, उन्होंने ब्रदर बने, उन्होंने फादर बने, इसलिए वो लॉस तो कांग्रेस पार्टी का, और सारी उम्र कांग्रेस पार्टी चलाई है, और उन्होंने एक नौ आपदा एक पहचान है। अज वो कांग्रेस पार्टी दो नीतियां तो दुखी होके, और मैं कैप्टन अमरिंदर सिंह एक काउंटर सवाल जरूर पाँगा, जिथे जगमीत सिंह बराड़ कांग्रेस के धोखे करके, कांग्रेस के लोगों नाल धोखे करके श्रोमणी अकाली दल में आए, क्योंकि वो महसूस करते हैं कि श्रोमणी अकाली दल दी लोगों प्रति, व्यापारी प्रति, इंडस्ट्री प्रति, बेरोजगार नौजवानों प्रति, किसानों प्रति जो सिंसियरिटी है वो कांग्रेस च नहीं। और उस गल नू शमशेर सिंह दूलो साहब जेडे इन्हां दे प्रधान रहे हैं, राज्यसभा के मैंबर है, वह कह रहे हैं उन्हां दी घर दी भी छड्ड के चली गई कांग्रेस तो दुखी होकर। महेंद्र केपी जी जेडे एडे वड्डे वड्डे अहुदे ते रहे, उन्होंने फादर मिनिस्टर रहे, उन्होंने भी सवाल कांग्रेस नू कीता कि कांग्रेस ने लोगों नाल धोखा किया। संतोष चौधरी जी, प्रताप सिंह बाजवा जी कहन दा भाव कि तीन PPCC दे प्रेजिडेंट वो आप कांग्रेस नू क्वेश्चन कर रहे कि कांग्रेस फेल हो गई है, लोगों नाल उन्होंने ठगी मारी है, 420 कीता। दूजे पासे मजिठिया ने खजाना मंत्री मनप्रीत बादल नू भी अड़के लैंदिया बिजली बिल ते बोलदिया कहा कि बठिंडा धरना कैपिटल ऑफ पंजाब बन गया ते उसका वड्डा कारण खजाना मंत्री ते मुख मंत्री है। नाल ही उन्होंने खजाना मंत्री नू ओपन चैलेंज देंदे हुए कहा कि ओह कोई भी एक अजिहा व्यक्ति पेश कर देन जिन्हां नू 5 रुपए बिजली पैंदी होवे। देखो थोड़ा तां बठिंडा धरना कैपिटल ऑफ पंजाब बन गया, और उसका वड्डा कारण बनया क्योंकि खजाना मंत्री साहब ने चोन मैनीफेस्टो आप तैयार किया, आप बनाया, आप लोगों नाल वादे किए, और हर वादे तो मुकर गए। दुख की गल है कि मैं ये गल कह अज इत्थे कहना भी चाहुंदा, इन्होंने 5 रुपए 32 कही सी इंडस्ट्री नू, मैं ओपन चैलेंज दिना, मैं आपके पद तो इस्तीफा दूंगा जे एक भी ये पेश कर दें जिन्हां नू 5 रुपए 32 पै रही। अज हाई इंटेंसिव यूनिट नू 7 रुपए तक 32 पै रही है, मीडियम ते स्मॉल स्केल नूं 8 तो 9, 9 साढ़े 9 रुपए तक 32 पै रही है। सब तो महंगी 32 अज पंजाब च करती है, उहदे जिम्मेवार खजाना मंत्री ते इहनां दे मुख मंत्री फिक्स चार्ज लाते है। तुसीं शायद रिलाइज़ नहीं कीते कि कदे घरेलू 32 नूं फिक्स चार्ज नहीं लगदे सी, हुण भावें पक्खा बालो ना बालो, 32 बालो ना बालो, तुहानूं पक्का बिल आऊगा, 3000 करोड़ उहदा इकट्ठा कर लिया। 32 दे रेट हिंदुस्तान च सब तो महंगे आ पंजाब दे, और 10-12 हज़ार करोड़ रुपया लोगों की जेबा चो कढ़िया 32 के बिलों के रूप से। सो मार मारी है जिथे 32 के हाई रेटा की मारी है, डीजल पेट्रोल सब तो महंगा सी उहदी मारी है, नाल ही RDF ते मंडी फी तो 3000 करोड़ इकट्ठा किया। प्रोफेसनल टैक्स देखो जिहड़ा इंपलॉई है वो ऑलरेडी इनकम टैक्स पे ही है, उहदे ते उत्तों टैक्स ला देना, सेंट्रल गवर्नमेंट टैक्स च रिबेट दे रही है 2.5 लाख तो 5 लाख कर रही है, मौजूदा सरकार होर टैक्स कर रही है, 1000 करोड़ एक इंपलॉई की जेब चो कट लिया। आम आदमी पार्टी मैं मेरे विधानसभा की स्पीच कढ लियो जी, इलैक्शन तो पहला भी कढ लियो कि ये कांग्रेस की ए ते बी टीम्स ने,
और अज भी मैं कहना कि जिन्नियां होर पार्टियां तुरियां फिरदियां ने ये सब कांग्रेस सपोर्टेड कांग्रेस फाइनैंसड इको एक मकसद नाल तोरियां जा रही कि लोग कांग्रेस तो औखे है, लोगों ने कांग्रेस के उल्ट वोट देनी है। तो क्यों ना लोगों के दिमाग च एक डाउट खड़ा करिए, भंबल भूसा पैदा करिए, तो ये वोट श्रोमणी अकाली दल बीजेपी ना जाए, मोदी साहब या बादल साहब नू ना जावे, वोट वंडी जावे और कांग्रेस घट वोट नाल कामयाब हो जाए। मगर लोग इस गल नू समझ चुके, दिल्ली च पहला भी आप ते कांग्रेस की कट्ठी सरकार चली है, ये रोज़ कट्ठे फैसले कर रहे, साडे विरोधी धिर दा लीडर विधानसभा के अंदर आम आदमी पार्टी का रह नहीं सकता, सिर्फ तो सिर्फ एक कांग्रेस की बदौलत रह रहा, नहीं तो तीन इस्तीफा दे गए, सत भज गए, दसा दे नाल विरोधी धिर दे लीडर ते बैठे, मेहरबानी की दी कांग्रेस की। तो फिक्स मैच तो बड़े चिर तक चल रहा, ये फिक्स मैच का तो और ये बुकी का रोल भी कांग्रेसी लीडर ही अदा कर रहे एक तरीके का। नाल ही मजिठिया ने सुखपाल खैरा ते बोलदिया पत्रकारा नु कहा कि ओह खैरा दी घट सुनिया करन क्योंकि खैरा दा ता टब्बर भी उसनु नहीं सुनदा। ਉਹ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ, ਉਹਦੀ ਘੱਟ ਸੁਣਿਆ ਕਰੋ, ਉਹਦੇ ਉਹਦਾ ਆਪਦਾ ਟੱਬਰ ਨਹੀਂ ਉਹਦੀ ਇੰਨੀ ਸੁਣਦਾ, ਕੇਸ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਤੇ ਦਰਜ ਹੈ, ਕੋਰਟ ਨੇ ਦਰਜ ਕਰਾਇਆ। ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਇਹੀ ਹੈਰਾਨਗੀ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਫਾਜ਼ਿਲਕਾ ਕੋਰਟ ਨੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ 'ਚ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ਼ ਵਰਡਿਕਟ ਅਪਹੈਲਡ, ਮਗਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੌਣ ਰੋਕ ਸਕਦਾ ਜੀ, ਜਿਹਦੀ ਜ਼ਬਾਨ 'ਤੇ ਥੋੜ੍ਹੀ ਫਿਸਲਦੀ ਹੋਵੇ ਨਾ, ਆਈ ਵਾਰੀ 'ਤੇ ਫਿਸਲੀ ਜਾਊਗੀ ਜੀ, ਬੋਲੀ ਜਾਣਗੇ ਜੀ। लेटेस्ट अपडेट सब तो पहला देखने लाई सब्सक्राइब करो चैनल पंजाब, प्रेस करो बेल आइकन।